नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो आपकी सिलाई में काफ़ी काम आएगी। इसके लिए मैं ये दो धागे की सिंपल रील ले रही हूँ जो हम सिलाई में यूज़ करते हैं। आप इसी जगह सिल्क थ्रेड भी ले सकते हैं। और मैं ये दो अलग अलग कलर ले रही हूँ, रेड और ऑरेंज। आप चाहें तो सिंगल कलर का यूज़ कर सकते हैं। और ये दो मेटल की सुइयों का यूज़ करके हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों रीलों में से ये दो अलग अलग कलर इस तरह से दो धागे ले लेंगे। दोनों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब इस तरह का हम कोई भी गत्ता ले लेंगे, या इस गत्ते की जगह आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। इस तरह से इसे 200 से 250 बार इस तरह लपेटेंगे। ये दोनों धागे हमें लेके बराबर बराबर इस तरह से लपेटने हैं। देखिए दोनों रीलें हमारे साथ साथ चल रही है। इस तरह से देखिए, इस तरह से लपेट के हमने इसे काफ़ी मोटा धागा तैयार कर लिया है। अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे। इस तरह से हमारा काफ़ी मोटा धागा तैयार हो गया है। अब इसमें से हम इतना धागा निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। इतनी मोटी एक लेयर अलग कर लेंगे, इसे रख देंगे। अब हम चूड़ी लेंगे और इसे चूड़ी के चारों तरफ लपेटेंगे। देखिए ग्लू लगा लूँगी यहाँ से, इस तरह से इसके चारों तरफ लपेटेंगे। इस तरह से लपेटते हम चूड़ी को पूरा इस धागे से कवर कर लेंगे। मैं आपको इसे एक चूड़ी में बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह आप इसे दूसरी चूड़ी को भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। देखिए चूड़ी को हमने पूरा कवर कर लिया है इस तरह से धागे से। अब हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, इस तरह से इसको यहाँ से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे ग्लू से इस तरह से चिपका दिया है यहाँ से। देखिए हमारी बैंगल तैयार है इस तरह से। अब एक बागी का धागा लेंगे जो हमने अलग कर लिया था, इसमें से एक पतली सी लेयर फिर निकालेंगे इस तरह से। इतना धागा अलग निकाल लेंगे। ये धागा हमने अलग निकाल दिया, इसे अलग रख देते हैं। अब इस धागे में से हम इसके बराबर 5 पार्ट्स कर लेंगे इस तरह से। इसको 5 बार इस तरह करेंगे, 3, 4 और ये 5। इसे कट करेंगे, देखिए धागे का हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं इस तरह से बराबर। अब हम इस साइड रख देते हैं इसे। अब जो धागा हमने अलग निकाला था इसमें से, इसके भी बराबर 5 पार्ट्स कर लेंगे। देखिए इसके भी हमने 5 पार्ट्स कर लिए बराबर। अब इन्हें हमें इस चूड़ी को लेंगे इस तरह से, इस तरह सेंटर में बांधेंगे, इस तरह बराबर करेंगे। एक नॉट लगा लिया हमने, अब इस तरह बराबर करके दूसरी नॉट लगा लेंगे। अब दूसरा धागा लेंगे, इसे भी थोड़ी दूरी पे, थोड़ी इससे थोड़ी जगह छोड़ते हुए इसे भी इसी तरह बांध लेंगे। पहले एक नॉट लगाएंगे, इसका धागे का सेंटर करेंगे इस तरह से, फिर हम दूसरी नॉट लगा लेंगे। फिर इस तरह तीसरा धागा लेंगे, इसे भी बराबर दूरी पर इस तरह से बांध लेंगे। देखिए हमने 3 धागे बांध दिए इसमें अपने। अब बाकी 2 धागे भी हम इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूरी का गैप देते हुए बांध देंगे। देखिए इसे हमने 5 जो हमने पार्ट्स किए थे इस तरह बांध लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए। अब हम एक धागा लेंगे इस तरह से और एक मोटी सुई लिया हमने। अब हम इस धागे को इस मोटी सुई में पिरो लेंगे। देखिए धागे में हमने सुई पिरो ली इस तरह से। अब हम ये गोल्डन मोती लेंगे 5। देखिए 5 मोती पिरो ली हमने इस तरह से। अब इसी तरह दूसरे धागे में भी सुई पिरो लेंगे हम और इसी तरह 5 मोती इन 5 धागों में डाल देंगे।
देखिए इस तरह से हमने जो 5 पार्ट्स करे थे धागे के, इनमें हमने 5 5 मोती डाल दिए हैं इस तरह से। अब हम ये लेंगे और इस तरह पहले इसका सेंटर करेंगे एक धागे का इस तरह से, इसे बीच में रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह इसे सेंटर से बांध देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल बराबर करना है हमें, देखिए बराबर कर लिया हमने। एक नॉट और लगा लेंगे इस तरह से, इसे हमने पक्का कर दिया 2 नॉट लगा के। अब हमारे इस तरह से हो गया ये। अब हम इधर एक धागा लेंगे इस तरह से, उसके यहाँ से इसे बांध देंगे इस तरह से, बराबर करेंगे इसे, इसके नीचे रखेंगे यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। पहले एक नॉट लगाई, इस तरह 2 नॉट लगाएंगे और इस तरह से देखिए हमारे एक तैयार हो गए इस तरह से। इसी तरह हम इन 5ों में भी इसी तरह बांध देंगे, जैसे इसे बांधा है इस तरह इन्हें भी बांध लेंगे। देखिए 5 पार्ट्स में हमने इस तरह से टेसल बांध लिए हैं। अब हम सबसे पहले एक टेसल लेंगे इस तरह से, इसे बराबर कट कर देंगे okay, कट कर दिया हमने। अब इसी साइज का, इसको भी इसी साइज का कट कर लेंगे इस तरह रखेंगे, इसे भी इसके बराबर कट कर लेंगे इसी तरह, एक दूसरे को नाप कर इस तरह से सबको बराबर कट कर लेंगे। देखिए ये 5ों टसल्स हमने बराबर काट लिए, कटिंग कर लिए बराबर इस तरह से। अब हमने ये जो धागा लिया है, ये 4 5 बार हमने लपेट के धागा लिया है इस तरह से, और ये सुई में धागा डाल लिया इस तरह से, इसे नॉट लगाएंगे। देखिए हमने ये छोटा गोल्डन मोती लिया है इस तरह से, ये ले लिया, देखिए डाल लिया इसमें। अब एक बड़ा मोती लिया है गोल्डन, अब 5 मोती हम ये गोल्डन डाल लेंगे मीडियम साइज के, देखिए इस तरह से 5 ही डाल लिए मैंने, 5 और डालूंगी मैं इसमें, ये हमारे 10 हो जाएंगे। देखिए यार ये साइज की मोती, ये 10 हो गए हैं, 10 मोती हो गए यहाँ से इस तरह से। फिर यही वाला एक मोटा मोती और डालेंगे, सबसे छोटा गोल्डन मोती डालेंगे जो हमने यहाँ डाला था यहाँ पे लेंगे। हमें ये बीच में लटकाने हैं इस तरह से, देखिए 5 हमने इधर का पार्टीशन कर दिया बीच में इस तरह के से, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए यहाँ पे बीच में इस तरह से, उसे फिर से लपेट लेंगे इस तरह से, हो गया ऐसे आगे सेंटर में। हम इसे यहाँ पे नॉट बांध लेंगे, ये जो छोटा मोती है इस पर इस तरह से नॉट लगा लेंगे देखिए। हमने लास्ट में मोड़ नट यहाँ पे हमने नॉट लगा लिए, अब बाहर एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देंगे। हम फिर से एक मोटा सा धागा लेंगे, इसे 4 5 लेयर में लपेट लेंगे इस तरह से, और इसे सुई में धागे डालेंगे। देखिए इस धागे का हमने जो सुई में धागा डाला था इसका एक सिरा हमने यहाँ सेंटर में बांध दिया, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें इस तरह, मेरे पास एक लंबा मोती पड़ा है इस तरह से, इसे डाल लेंगे इस तरह डाल लेंगे, 3 ये गोल्डन मोती डालेंगे और सबसे छोटे मोटे गोल्डन डाल लेंगे हम, करीब 8 गोल्डन मोती डाल लेंगे छोटे वाले, सबसे छोटे मोती हैं ये।
देखिए 8 मोती हमने छोटे सबसे छोटे गोल्डन डाल लिए इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ से, हमें यहाँ पे एक लूप बनाना है तो हम इसे यहाँ से इस तरह से यहाँ बांध देंगे। देखिए लूप बनाने के लिए इस तरह से इसमें हम डोरी बांधेंगे। ये हमारी लटकन तैयार हो रही है ब्लाउज सूट और लहंगे के लिए। देखिए इसे बांध लेंगे। इस तरह हमारा लूप तैयार हो गया। इसे एक नॉट और लगा लेते हैं ताकि ये पक्का हो जाए यहाँ पे। इस तरह से अब इसे वापस डालेंगे मोती में। इस तरह से दो मोती के बीच में इसे निकाल लेंगे और अब यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये लूप तैयार कर लिया। अब हम इसमें इस तरह से अपनी डोरी बांध सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप डोरी बांध सकते हैं। देखिए हमारी एक लटकन बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम दूसरी चूड़ी से दूसरी लटकन तैयार कर लेंगे। इसे मैंने सिंपल सिलाई के धागे से तैयार किया है। आप इसी जगह सिल्क का धागा ले सकते हैं और अपने ड्रेस की मैचिंग धागा लेकर आप आसानी से घर पर ही अपने सूट के लिए, ब्लाउज के लिए, लहंगे के लिए लटकन घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।